लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी नेता दशरथ भगत द्वारा सानपाड़ा के बुद्धेश्वर मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय आरोग्य उत्सव का आज समापन हो गया। इस आरोग्य उत्सव में 1000 से अधिक नागरिकों ने कोविड वैक्सीनेशन कराया। समापन कार्यक्रम में यहाँ के डॉक्टरों और आरोग्य कर्मियों ने परंपरागत दही हंडी फोड़ी और उत्सव मनाया। बीजेपी नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत ने आरोग्य कर्मियों के विशेष योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें खास तौर पर सम्मानित किया। आरोग्य उत्सव नाखवा सीताराम भगत सांस्कृतिक उत्सव मंडल के 25 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया था। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के सानपाड़ा में आयोजित 4 दिवसीय आरोग्य उत्सव का आज समापन हो गया। नाखवा सीताराम भगत सांस्कृतिक उत्सव मंडल के 25 साल पूरे होने पर आयोजित इस आरोग्य उत्सव में 1000 से अधिक नागरिकों ने कोविड वैक्सीन लगवाई। इस खास मौके पर जिन लोगों ने कोरोना टीका लगवाया उन्हें सिर्फ वैक्सीन का आधा पैसा ही चुकाना पड़ा, जबकि आधा खर्च बीजेपी नेता दशरथ भगत द्वारा संचालित सांस्कृतिक उत्सव मंडल ने उठाया। उत्सव का समापन डॉक्टरों और आरोग्य कर्मियों ने बुद्धेश्वर मंदिर में लगी दही हंडी फोड़ कर किया। बीजेपी नेता दशरथ भगत एवं युवा नेता निशांत भगत ने इन आरोग्य कर्मियों को उनके विशेष योगदान के लिए खास तौर पर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया, जिनकी बदौलत यहां हजारों लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगवाने में मदद मिली। इस अवसर पर निशांत भगत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हमारा मकसद है कि ये साल लोगों के लिए हम लोग को काम करना था, इसीलिए हम लोग ने हमारे मंडल ने ये डिसीजन लिया। भगत दशरथ भगत साहब के संकल्पना से ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। वैक्सीनेशन कैंप ये 4 दिन चला, उसके बाद फिर ब्लड डोनेशन कैंप चला, हेल्थ चेकअप रहेगा, कोरोना टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो ये उत्सव आरोग्य उत्सव मना के जो पिछले मतलब कई सालों से हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन पे जो खर्चा कर रहे थे, मूर्ति के ऊपर जो खर्चा हो रहा था, महाप्रसाद के लिए जो खर्चा हो रहा था, लाइटिंग के ऊपर खर्चा हो रहा था, यही सब खर्चा जब हम हर साल करते थे, तो ये साल जो खर्चा हम ये साल नहीं कर रहे वही खर्चा हम आरोग्य उत्सव के ऊपर हेल्थ रिलेटेड जो जो प्रोग्राम है वो करके हम लोग खर्चा कर रहे हैं। जो कोरोना के एक्चुअल रक्षक है, जो सानपाड़ा UHP, वाशी UHP और सूरज हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, नर्स है, डॉक्टर है, इन लोगों ने सही मायने से सानपाड़ा वाशी गाँव के लोगों को कोरोना से बचा के उनका जीवन का रक्षण किया, इसके लिए कोरोना रक्षक करके उनका वहाँ यहाँ पे सम्मान किया। साथ ही साथ आज दही हंडी दही काला उत्सव है, तो उन्हीं के हाथों से दही हंडी फोड़ के ये मैसेज दिया है कि जिन्होंने बचाया है उन्हीं लोगों से दही हंडी फोड़ के हम इस कोरोना से लोगों को बचाने का काम आगे जाके करेंगे, ये मैसेज देने का काम नाखवा सीताराम भगत सांस्कृतिक उत्सव मंडल के माध्यम से हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।